हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट बाय तपन। इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं हम पेंसिल पाउडर को कैसे कलेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। शार्प करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये ब्लेड। बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि ये लेड बहुत ही आसानी से टूट जाता है। मेन पॉइंट है कि प्रेशर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। वुड को हम रिमूव कर दिए हैं, अब इस लेड को घिसना पड़ेगा। प्रेशर सही तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। सर्व करने से जो पाउडर निकल रहा है वो नीचे हम कलेक्ट कर रहे हैं। ये काम बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, आसानी से लेड टूट जा सकता है। ये पेंसिल कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। फाइनली कम्प्लीटली इसको सर्व कर लिया है, आप लोग देख पा रहे हैं कितने अच्छे से ये सर्व हो गया है। बहुत ही अच्छा, ऐसे ही हम पेंसिल को यूज़ करते हैं। इतना सर्व करते हैं कि जैसे बच्चे देख के डर जाए। यहाँ पर हमने पूरा पाउडर कलेक्ट कर लिया है, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा लेड का टुकड़ा भी है जो पहले मेरा टूट गया था, उसको भी कलेक्ट करके रखें, ये भी बाद में काम आएगा। आप लोग दिख पा रहे हैं, आप दिखाएंगे कि ये कलेक्ट कर लिया तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करना कैसे है, तो भी इस वीडियो में आप लोग दिखने वाले हैं। ब्रश में हम पाउडर लेके जहाँ पे भी डार्क पोर्शन है वहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दोनों आई पे। इस तरह से हम पाउडर यूज़ किया है और पूरा स्किन में भी इस तरह से किया है। लाइट और डार्क पोर्शन को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो शर्ट है उस पर भी हमने अप्लाई किया है ये पाउडर, हैंड में भी। कुछ दिन पहले ये ड्राइंग हमने बनाया थे, पूरा स्किन में ये हमने पाउडर यूज़ किया था, दिखने में बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसका पूरा फेस में हमने अप्लाई किए थे। ये ड्राइंग में भी हम अप्लाई किए थे ये पाउडर। और ये ड्राइंग में तो हम हेयर में भी इसका यूज़ किए थे, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इफ़ यू आर इन्जॉय द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पुश द लाइक बटन। मुलाकात होगी कभी।